आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स केमिस्ट्री फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट का सफाया बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ डाउनलोड नाउ an organization conducted a bike race under two different categories that is boys and girls totally there were 250 participants among all of them finally three from category 1 and two from category 2 were selected for the final race Ravi forms two sets B and G with these participants for his college project let B we have given that is B1 B2 B3 and G is G1 and G2 where B represent the set of boys selected and G represent the set of girls who were selected for the final race and Ravi decides to explore these sets for for various types of relation and functions so here we have given a relation that is आर फ्रॉम बी टू जी बी डिफाइंड टू बी वन जीवन बी टू जी टू बी थ्री सी इज ए नॉन इंजेक्टिव एंड ऑप्शन डी इज सर्जेक्टिव एंड इंजेक्टिव तो हमें दिया है एक ऑर्गेनाइजेशन ने एक रेस कंडक्ट कराई जिसमें दो डिफरेंट कैटेगरी थी बॉयज एंड गर्ल्स की जिसमें टू फिफ्टी पार्टिसिपेंट ने पार्ट लिया और जिसमें से दो कैटेगरी बनाई जिसमें से तीन तो तीन तो कैटेगरी फर्स्ट से फाइनल राउंड के लिए सेलेक्ट हुए एंड दो कैटेगरी सेकंड से फाइनल रेस के लिए सेलेक्ट हुए इसमें से कैटेगरी फर्स्ट तो ऑल सेट ऑफ बॉयज बॉयज किया जो फाइनल राउंड के लिए सेलेक्ट हुए सो बी इज इक्वल टू बी वन बी टू एंड बी थ्री ये वो बॉयज हैं जो फाइनल राउंड के लिए सेलेक्ट हुए एंड वी हैव गिवन अनदर सेट इक्वल टू एंड ये गर्ल्स हैं जो फाइनल राउंड के लिए सेलेक्ट हुई हैं एंड हमें एक रिलेशन भी दे रखा है द रिलेशन इज आर फ्रॉम बी टू जी बी डिफाइंड दैट इज आर इक्वल टू बी वन जी वन बी टू जी टू एंड बी टू सॉरी एंड जी वन तो हमें यहाँ पे फाइंड करना है कि जो आर है रिलेशन है वो इंजेक्टिव फंक्शन है कि सर्जेक्टिव फंक्शन है कि ना इधर सर्जेक्टिव नॉन इंजेक्टिव है या सर्जेक्टिव और इंजेक्टिव दोनों है सो फर्स्ट ऑफ ऑल गिवेन रिलेशन फ्रॉम बी टू जी सो लेट सपोज

बी टू जी में जो दिया हुआ रिलेशन है वो इंजेक्टिव फंक्शन है कि सरजेक्टिव फंक्शन है सो फॉर इंजेक्टिव फंक्शन सो इंजेक्टिव फंक्शन के लिए क्या होना चाहिए कि हर एक एलिमेंट बी वन बी का हर एक एलिमेंट जी के हर एक यूनिक एलिमेंट से मैचिंग होना चाहिए ऐसा नहीं है कि बी के दो एलिमेंट किसी एक से ही मैचिंग हो गए। सो हेयर हमें रिलेशन में दिया है कि बी वन मैचिंग कर रहे हैं जी से सो बी वन जी एंड बी टू जी टू बी टू G2 टू एंड हि सी बी थ्री मैच कर रहा है जीवन से सो बी थ्री मैच कर रहा है जीवन से बट इंजेक्टिव रिलेशन में बी का हर एक एलिमेंट जी के हर एक यूनिक एलिमेंट से मैच होना चाहिए बट यहाँ पे बी वन एंड बी थ्री जी के एक ही एलिमेंट से मैच हो रहा है, सो गिवन रिलेशन इंजेक्टिव फंक्शन नहीं है सो ऑप्शन ए इज रॉन्ग एंड इफ बी मैच द सेकेंड ऑप्शन दैट इज दर्जेक्टिव रिलेशन सो सर्जेक्टिव रिलेशन के लिए बी का हर एक एलिमेंट जी के एटलीस्ट कम से कम एक एलिमेंट से तो मैच करना ही चाहिए ज़्यादा से करे कोई इशू नहीं है बट एक से तो करना ही चाहिए तो हम चेक करेंगे कि बीवन है वो जीवन से मैच कर रहा है ठीक है बी टू है जी टू से मैच कर रहा है ठीक है एंड बी थ्री है जीवन से मैच कर रहा है बट एटलीस्ट हर एक बी का हर एक एलिमेंट जी से मैच कर रहा है बट ज़्यादा भी है बीवन और बी थ्री जीवन से मैच कर रहे हैं बट इससे हमें कोई इशू नहीं है बस हर एक एलिमेंट कम से कम जी के एक एलिमेंट से मैच करना चाहिए सो गिवन

आज ही डाउनलोड करें डाउट आप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स आठ चार सौ चार सौ चार सौ पर